बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ पोटैटो कटलेट्स। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाने बिल्कुल ही आसान है। अच्छा, बीफ पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए हमने ये बीफ लिया है। ये बीफ मुकदम का पीस ले लें आप या अंडर कट का पीस ले लें, बोनलेस। उसको बॉयल करना है, बॉयल करके उसके रेशे कर लेने हैं, जिस तरह चिकन के रेशे करते हैं इस तरह ही बीफ के रेशे बना लेने हैं आपने। पोटैटो हमने लिया, इसको बॉईल करके तो इसको मैश कर लिया हमने। अनियन चॉप है हमारे पास एक बॉल भर के, ग्रीन चिली चॉप है हाफ कप, मिंट चॉप है हमारे पास, कोरिएंडर फ्रेश चॉप है, और मसाले साथ साथ हम बताते जाएंगे। तो शुरू करते हैं, एक बॉल लेते हैं जी। सबसे पहले हमने इसके अंदर डालने हैं मैश पोटैटो, अब डालेंगे हम बीफ। इसके बाद हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, मिंट, कोरिएंडर, अब डालेंगे नमक 2 टीस्पून, क्रश चिल्ली 3 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 3 टीस्पून, ज़ीरा वाइट वाला 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 3 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और अब डालेंगे पपरिका, एक टेबल स्पून इसमें डालेंगे पपरिका पाउडर। अच्छा जी, अब हमने करना है इसको मिक्स। अच्छा जी, एक मिक्स कर दिया हमने, अब हमने बनाने इसके कटलेट्स। अच्छा जी, अब हम कटलेट्स बनाएंगे। इसके कटलेट्स आपने अगर बड़े बनाने तो आप उसका पेड़ा थोड़ा बड़ा रखें, अगर छोटे बनाने तो छोटे रखें आप, लेकिन हम इस साइज़ के बनाएंगे, दरमियाने साइज़ के। बिल्कुल ही आसान है बनाने, ये देखिए इस तरह से आपने इसको गोल करना है। अगर ग्लव्स नहीं हैं आपके पास तो आप हाथों पर ऑयल लगाएँ, और ऑयल लगा के भी बना सकते हैं आप, ताकि हाथ के साथ चिपके ना। ये हमारा एक तैयार हो गया। इस तरह ही हमने सबको गोल गोल बना लेना है, उसके बाद फिर हम इसको बाकी चीज़ें जो करनी है वो करेंगे। कटलेट्स हमने सारे तैयार कर लिए हैं, अब हमने लगाना है इसको ब्रेड क्रम्ब। तो शुरू करते हैं, ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं। अच्छा, ये 2 हमने अंडे लिए हैं, इसको तोड़ के हमने मिक्स कर लिया है। ये ब्रेड क्रम्ब है, मार्केट से मिल जाता है, लेकिन आपने जो लेना है मार्केट से ब्रेड क्रम्ब लेना है वो ब्रीक वाला लेना है, अगर मोटा हो तो उसको ब्रीक कर लेना है आपने। अब हमने कटलेट्स लेना है, उसको पहले अंडा लगाना है इस तरह से, अंडा लगा के उसको हमने क्रम्ब लगाना है। क्रम्ब हमने ज़्यादा नहीं लगाना, अगर आपने फ्राई करना है फिर इसको क्रम ज़्यादा लगाएं, अगर आपने पैन में फ्राई करना है तो फिर इसको कम, इस तरह आपने क्रम लगा के इसको एक ट्रे के अंदर रखते जाना है। इस तरह ही हमने पहले अंडा लगाना है,
उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम लगाना है। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा जी, क्रम हमने लगा दिया सबके ऊपर। देखें, इसको हम फ्राई नहीं कर रहे फिलहाल, हम तो ऐसे ही इसको फ्रीजर में रख रहे हैं। अगर आपने फ्राई वाला देखना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी चिकन कटलेट्स की, तो वो आप देख सकते हैं उसको कैसे हमने फ्राई किया था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।